जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंतर्गत हम आज आपको प्रत्यास्थता गुणांक का जो दूसरा प्रकार होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के अंतर्गत हम लोग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की डिफिनीशन देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, और फिर हम लोग संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी देखेंगे, और फिर दृढ़ता गुणांक के बारे में देखा जाएगा जो प्रत्यास्थता गुणांक का तीसरा प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक के लिए जो आपको फार्मूला बताया गया था, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल और बटा में होता है विकृति, ये आपको पता है। तो जब हम प्रतिबल का दूसरा प्रकार ले लें तो प्रतिबल का जो दूसरा प्रकार होता है वो अभिलंब प्रतिबल होता है, और विकृति का जो दूसरा प्रकार होता है वह आयतन विकृति होता है, आयतन विकृति। तो समझे आप, हम आपको बताने जा रहे हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। तो समझिए, लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु के अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को ही उस वस्तु का हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम बल्क, उसकी इंग्लिश जो होती है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इसे हम बी से प्रदर्शित किया करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो सिंबल होता है वह बी होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अभिलंब प्रतिबल, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अभिलंब प्रतिबल जो होता है यह दाब के बराबर होता है। तो यहां हम नोट कर लेते हैं, अभिलंब प्रतिबल और अभिलंब प्रतिबल दाब पी के बराबर होता है, और आयतन विकृति के बारे में हमने आपको बताया था कि आयतन विकृति आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन के बराबर होती है। तो अगर आयतन में होने वाला परिवर्तन डेल्टा भी और प्रारंभिक आयतन भी हो, और एक बात जरा ध्यान से समझें, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आयतन विकृति होता है। आपको पता है कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो आयतन घटता है, और आयतन घटने की वजह से ये जो आयतन विकृति होती है यह आयतन विकृति ऋणात्मक होती है। तो अब देखें अभिलंब, अब हम रख देते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र निकाल लेते हैं। तो अभिलंब प्रतिबल P है और फिर आयतन विकृति माइनस डेल्टा V अपॉन V है। तो फिर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो B इज इक्वल टू P V ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा V नीचे। तो इस सूत्र की सहायता से अगर हमको किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना होगा, और देखिए इसको शुद्ध रूप से हम ये कहेंगे कि किसी वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक किसी वस्तु का नहीं होता है, वह वस्तु जिस पदार्थ से बना होता है उस पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें इसका मात्रक क्या होगा।
तो मात्रक ये दाब है, देखें यहां पी दाब है और दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और भी आयतन है तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा, और डेल्टा भी तो आयतन में होने वाला परिवर्तन है, तो आयतन में होने वाला परिवर्तन आयतन ही होता है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको न्यूटन मीटर टू द पावर माइनस टू भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसकी बीमा निकाल लें, तो बीमा हम लोग पहले निकाले थे, देखिए दाब दाब की जो बीमा होगी आपको मालूम है कि यह एम एल इनवर्स टी माइनस टू होती है, और फिर डेल्टा भी आयतन है, तो आयतन की जो बीमा होती है वो एल क्यूब होती है, और नीचे भी आयतन है तो इसकी बीमा हो जाएगी एल क्यूब, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल इनवर्स टी माइनस टू। तो ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा होगी, आप याद रख रहिएगा, प्रत्यास्थता गुणांक हो या प्रत्यास्थता गुणांक का कोई भी प्रकार हो, सबका मात्रक जो होता है, सबका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और सबकी बीमा जो होती है वो एम एल इनवर्स टी माइनस टू होती है। अब इसके बाद देखें, अब इसी में एक टर्म आता है संपीड्यता, तो संपीड्यता क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखें, संपीड्यता, संपीड्यता को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अब क्या होती है संपीड्यता इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही संपीड्यता कहा जाता है, और संपीड्यता को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और फिर ये संपीड्यता बराबर होता है एक बटा में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को बी से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है। अब अगर हम यहां पर वैल्यू रखने देखें बी इज इक्वल टू, तो वन अपॉन आपने देखा, सॉरी बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन बी की वैल्यू आपने देखा है, ये माइनस पी भी अपॉन डेल्टा भी, तो डेल्टा को हम ऊपर लेके चले जा रहे हैं डेल्टा भी को, तो ये संपीड्यता के लिए हम लोगों को फार्मूला निकल गया। अब अगर इसका मात्रक निकालें तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, यानी ये, या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन इनवर्स मीटर का स्क्वायर, और बीमा क्या होगा, बीमा भी तो इसके व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये बीमा हो जाएगी एम इनवर्स यल, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, तो ये संपीड्यता की बीमा हुई। अब एक चीज हम आपको बता दें कि गैसों की संपीड्यता जो होती है, संपीड्यता का मतलब दबाना, गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है और ठोस द्रव की संपीड्यता कम होती है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि सबसे अधिक संपीड्यता जो होती है वो गैस की होती है, द्रव की संपीड्यता उससे कम होती है, और ठोस की संपीड्यता तो लगभग 9 के बराबर होती है या होती ही नहीं है, तो इसको हमको याद रखना होगा। तो इस प्रकार ये आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और संपीड्यता कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दृढ़ता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, दृढ़ता गुणांक कहें या दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक कहें, तो देखें लघु विकृतियों के अंतर्गत किसी वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक उसके अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर होता है, और इसको ईटा से प्रदर्शित किया जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि
अपरूपक प्रतिबल जो होता है, देखें अपरूपक प्रतिबल यह एफ अपान ए यानी बल बटा में क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, और अपरूपण विकृति जो होती है ये अपरूपण विकृति यह प्रारंभिक स्थिति से बाद वाली स्थिति के मध्य बनने वाला कोण होता है, इसलिए इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब दृढ़ता गुणांक ईटा इज इक्वल टू अपरूपक प्रतिबल, आपने देखा ये एफ अपान ए होता है और अपरूपण विकृत थीटा होता है। तो दृढ़ता गुणांक या दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक का ये फार्मूला है, ईटा इज इक्वल टू एफ अपान ए इंटू थीटा। अब देखें तो इसका भी मात्रक वही होगा जो प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए बल है तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ए है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा कोण है, कोण का कोई मात्रक होता नहीं है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा देखें तो ये भी एम एल इनवर्स टी माइनस टू होती है। इन सबको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब जब हम लोग अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग पायसन अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे खींचे हुए तार के प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि आज ये जो दो तीनों टर्म आपको बताए गए हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दृढ़ता गुणांक और फिर संपिड्यता, ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।